Infinix GT20 Pro versus IQ Z9 S Pro, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए, स्पेशली PUBG वीडियो में इन दोनों में से कौन सा फोन 120 FPS की अच्छी खासी गेमिंग करा के देगा, और क्या तुम लोगों को पता है दोनों फोन्स का प्राइस लगभग 20,000 में आता है, तो प्रॉपर कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा स्पेशली अंडर 20,000 में, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों और बहनों का इतना ही बजट रहता है। एंड ऑल्सो इस फोन का ना, इन दोनों फोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, अगर मेरे दिए गए लिंक से जाकर अगर तुम लेगो तो थोड़ा तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा। अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स, क्या हाल चाल है यार। अब अगर हम बात करें Infinix GT20 Pro के डिस्प्ले की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले विथ 1300 nits का पीक ब्राइटनेस, एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर हम IQ Z9 S Pro का डिस्प्ले देखिए, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 6.67 इंच का 3D कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले, जिसके अंदर जो तुम्हें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो है 120 हर्ट्ज का, और सबसे बड़ी बात वो है इसका पीक ब्राइटनेस जो कि है ऑलमोस्ट 4500 nits का। तो भाई अगर हम कंपेयर करके देखें दोनों डिस्प्ले को, तो भाई यहाँ पर जो जीत रहा है वो है IQ Z9 S Pro। कैसे? तो भाई इसके अंदर पीक ब्राइटनेस ज्यादा है, लेकिन अगर वहीं पे हम देखें भाई Infinix के अंदर तुम्हें रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा बैलेंस में। खैर हम बात करें भाई Infinix GT20 Pro की बैटरी की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 5000 mAh का, एंड जिसके अंदर जो तुम्हें चार्जर देखने को मिलता है वो है 45 watts का। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें IQ Z9 S Pro का, तो इसके अंदर तुम्हें 5500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, एंड जो चार्जर है वो है 80 watts का। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखें कंपेयर करके दोनों फोन्स के चार्जर और बैटरी बैकअप को, तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली भाई IQ Z9 S Pro जीत रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर। खैर अगर हम बात करें अब दोनों फोन्स के कैमरा की, तो Infinix G20 Pro के अंदर जो तुम्हें कैमरा देखने को मिलता है वो है 108 मेगापिक्सल का, एंड इसके अंदर तुम्हें जो फ्रंट वाला कैमरा देखने को मिलता है वो है 32 मेगापिक्सल का। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें IQ Z9 S Pro के अंदर जो तुम्हें कैमरा देखने को मिलता है, जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, एंड अल्ट्रा वाइड का 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, और जो फ्रंट वाला कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे भाई Infinix GT20 Pro कैमरा में जीत रहा है। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है दोनों फोन्स के इंटरनल की। इंटरनल मतलब क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोसेसर वगैरह क्या है। तो भाई जो IQ Z9 S Pro है ना, उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 का प्रोसेसर, जो कि 4nm बेस्ड चिपसेट प्रोसेसर है, जिसके अंदर जो तुम्हें जो एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है वो है 8,20,000 का। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें भाई Infinix G20 Pro के अंदर जो तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 8200 का प्रोसेसर, जो कि 4nm पे बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर एंटीटू स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है IQ Z9 S Pro से, ऑलमोस्ट 9,50,000 प्लस का एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है। तो मतलब 1,50,000 मतलब थोड़ा ज्यादा ही है इसके अंदर। खैर बात करते हैं अब दोनों फोन्स के FPS की, मतलब PUBG BGMI में गेमिंग में कितना FPS निकाल के देगा। लेकिन वो बताने से पहले मेरा तुम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो अगर तुमको ऐसे ही मतलब गेमिंग फोन्स के रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वी आर वेरी क्लोज टू 30K। अब अगर बात करें कि भाई कौन सा फोन कितने FPS सपोर्ट करता है और दोनों में से कौन से फोन को लेना चाहिए, तो भाई देखो Infinix GT20 Pro 90 FPS सपोर्ट करता है BGMI के अंदर, एंड 120 FPS सपोर्ट करता है PUBG के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर देखिए IQ Z9 S Pro को, तो वो सिर्फ 60 FPS ही सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसका प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं एकदम क्लियर कट बताता हूँ भाई। अगर तुम्हें कैजुअल गेमिंग करनी है और तुम्हें लुक्स वाइज और बैटरी बैकअप, चार्जर, वॉट ये सब थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, तो तुम जाओ IQ Z9 S Pro के साथ। अगर तुम्हें FPS ज्यादा चाहिए, गेमिंग लुक बढ़िया चाहिए ना, वाकई तुम्हें खेलना है, तो तुम जाओ Infinix GT20 Pro के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा अंडर 20,000 में। दोनों ही फोन्स के बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर अगर तुम लेते हो तो तुमको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा। खैर यहाँ पे ये वीडियो खत्म नहीं हो रही है, तो में से बहुत सारे लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं IQ Z9 S Pro Infinix से उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों अच्छा नहीं है, उसके पीछे का एक मैंने बहुत बड़ा रीजन बताया है IQ Z9 S Pro के बारे में एकदम डिटेल में, तो मैं वो वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक एकदम ही सामने आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।